नमस्कार किसान भाई। किसान भाई, एक किसान भाई का कमेंट आया कि 15 HP की मोटर है, उसका स्टार्टर ट्रिप हो जाता है 42 की रिले। दोस्तों, रिले में कोई दिक्कत नहीं, रिले बिल्कुल सही है। ये दिक्कत आपकी मोटर की तार में है, कौन सी वो भी बता देता हूँ। जो आपकी स्टार्टर से लेकर जो 6 तारें मोटर के पास जाती है, उनमें पास मोटर के पास से कोई भी एक तार खुल गई है। उसी तार के खुलने की वजह से आपकी मोटर बंद हो जाती है, थोड़ी देर चलती है फिर बंद हो जाती है। दोस्तों, अब कई भाई कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भैया जब तार ही खुल गई तो मोटर कैसे चल रही है थोड़ी देर भी। दोस्तों, ये 6 तारें होती हैं, नॉर्मल मोटर की जैसे नहीं, 2 तारें एक खुल गई तो हाथों हाथ बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये मोटर के जो हमारे सबमर्सिबल मोटर आते हैं, उसके अंदर 6 तारें जाती हैं, अगर उसमें से एक तार कोई खुलेगी तो मोटर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। और स्टार्टर में क्या होता है दोस्तों, ये एक सिस्टम लगा होता है कि जब मोटर हैवी लोड, जो उसका लोड है, उस लोड से ऊपर चली जाती है तो मोटर स्टार्टर ट्रिप कर देता है, उसे बंद कर देता है कि मोटर जल ना जाए। इसीलिए ये दोस्तों ऐसा डिपेंड करता है, अगर आपकी मोटर बहुत ही बढ़िया या नहीं है, बढ़िया कंडीशन में है तो आपकी मोटर थोड़ी ज़्यादा देर चलेगी। अगर आपकी मोटर पुरानी और लोड वैसे भी ज़्यादा लेती है पहले भी, तो वो मोटर थोड़ी सी देर चलेगी, जस्ट कुछ मिनट। अगर मान लीजिए एक तार खुली, और ये क्या है दोस्तों, पानी के अंदर से थोड़ी अर्थिंग मिले, इस वजह से भी थोड़ी सी ज़्यादा देर चल जाती है। कई कारण थे, बस यही एक कारण है कि आपकी एक तार खुल गई, उस तो एक तार को दोस्तों ये जॉइंट होते हैं ना, ये एक जॉइंट लगाने का तरीका, मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा अभी मेरे पास, नेक्स्ट डे ही बना दूंगा आपके लिए एक तार का, कि ये जॉइंट लगता कैसे। हम क्या है, नॉर्मल तार की तरह जहाँ पर घर में जो हमारे तारे होती हैं उसमें अगर हम कोई जॉइंट मारते हैं उसके तरह हम जॉइंट मार देते हैं, ये इसका जॉइंट वैसे नहीं लगता, ये बात विशेष ध्यान रखिए। इसका जॉइंट थोड़ा सा अलग तरीके से लगता है, उसके मैं वीडियो बना दूंगा, पर जॉइंट लगाते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, सिंगल जॉइंट ना लगे, डबल जॉइंट लगाकर इसे मोड़ दें, और बिल्कुल पास पास में जॉइंट ना लगाएं। जैसे कि मान लीजिए 3 तारे और तीनों का यहाँ जॉइंट है, यहाँ यहाँ, ऐसा नहीं होता। एक का जॉइंट यहाँ होगा, दूसरे का ऊपर, तीसरे का उससे ऊपर, कि अगर एक तार, तीनों तारे एक साथ हीट होंगी तो वो जल जाएंगी, पर आगे पीछे ऊपर की तरफ होंगी तो वो मोटर की तार जलेगी नहीं, तो एक दूसरी तार एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाती, यही ध्यान रखना है। तो कोई भी जॉइंट लगाए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तीनों। अब सोचेंगे ऊपर नीचे कैसे लगाए, दोस्तों एक तार को थोड़ी छोटी कर दीजिए, उसको थोड़ी दूसरे को उससे बड़ी और तीसरे को उससे ज़्यादा बड़ी रखें। ये आप सिस्टम अपनाएंगे तो आपकी तार कभी नहीं जलेगी, आपको मोटर 8-10 4 भी चलती रहेंगी लगातार, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यही थी आज के वीडियो में, इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक वीडियो कमेंट के ऊपर ही बनाई गई है। जय हिंद।